बारिश से लेकर समतल से लेकर पहाड़ तक हाहाकार मचना शुरू। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर पूरी तरीके से बंद NH 717 ए पर भी भूस्खलन। उत्तर बंगाल में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ से लेकर समतल पर हाहाकार मचना शुरू हो गया है। पहाड़ और समतल में हो रही बारिश के कारण सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक तरफ जहां समतल इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है, तो दूसरी ओर पहाड़ पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जीवन रेखा माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो चुका है। NH 10 सीधे झोरा की चित्रे तक बंद है, क्योंकि सेल्फी पॉइंट पर पहाड़ी काटने का काम चल रहा है। रवि झोड़ा से तीस्ता बाजार मरम्मत कार्य और जल भराव के कारण बंद है। कालिंगपोंग सिलीगुड़ी वाया पनबू रोड खुला हुआ है। रंगपुक से लावा वाया मानसूंग रोड अभी खुला हुआ है। कालिंगपोंग से सिलीगुड़ी वाया लावा होकर यातायात हो रहा है। NH 717 पर भूस्खलन के कारण अस्थायी रूप से बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बंद होने के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा कीमत देकर मजबूरी में आते यातायात करनी पड़ी है। इसके साथ समय भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, इसको देखते हुए लगता नहीं है कि तत्काल स्थिति में कुछ सुधार होने वाला है, क्योंकि एक जगह भूस्खलन को साफ किया था तो दूसरी जगह भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय स्थिति और बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है।